हेलो फ्रेंड्स, कुक टेस्टी फूड बाय वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम आपको मटर पनीर बनाना सिखा रहे हैं, बिल्कुल जैसा आप रेस्टोरेंट में बनता है उसी तरीके से आज हम आपको मटर पनीर बनाना सिखाएंगे। तो उसके लिए हमने 1 पाव के करीब हमने पनीर ले लिया है, और ये हमने मटर को हमने घर में, जो अभी सर्दियों का सीज़न है तो मटर बड़े आसमान बहुत ही सस्ती मिलती है और आसानी से मिल जाती है मटर, तो मटर को हमने 2 सीटी करके कुकर में हमने उबाल लिया है। उसे क्या होगा, ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से मटर मैश हो जाता है, तो इसे बहुत ही टेस्टी होता है। हमारी जो मटर पनीर की जो हमारी सब्ज़ी है बहुत ही बढ़िया बनती है, मटर आसानी से गल भी जाता है। तो सबसे पहले, और ये हमने प्याज ले लिया है, और ये साबुत मसाला, और ये हमने थोड़े साबुत मसाले ले लिए हैं, लहसुन, और ये सूखा नारियल, हरी मिर्च, और ये टमाटर लिया हुआ है हमने, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को हमने काट लिया है। तो फ्रेंड्स, हमने गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई में हमने थोड़ा सा हमने मस्टर्ड ऑयल डाला हुआ है, बड़े चम्मच से 1 चम्मच। अभी हमें ज़्यादा तेल नहीं डालना इसमें, तो इसमें अब हमें पहले थोड़ा सा हमें 1/2 टीस्पून ये जीरा डाल देना है, और जीरा जैसे ही चटकने लग जाए तो इसमें अब हम जो हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज काटे हुए हैं ये हम डाल देंगे। जब तक ये हमारा प्याज फ्राई हो रहा है, तो इसमें हम ये साबुत मसाले भी डाल देंगे इसी में, साथ में अच्छी तरीके से भून जाएंगे। प्याज, तेज़पत्ता, और ये 2 हरी इलायची है, और ये अदरक को हमने इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया है, और ये काजू है ये भी इसमें डाल देंगे, और लौंग, और साथ में हमें ये लहसुन भी डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस हल्का सा। ये जो हरी मिर्च है इसको आप यहाँ से ऐसा काट के कट लगा दीजिए, और इसे बीच में से इस तरीके से काट कर ऐसा डाल दीजिए। इसी के साथ में आप ये जो सूखे नारियल है इसे भी हम डाल देंगे इसमें, इसे भी फ्राई कर लेंगे। और अब इसे इस तरीके से फ्राई करना है, इसे सही तरीके से फ्राई करना है, मतलब ना इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस हल्का सा ये इसका कलर चेंज हो जाए बस। अब इसी स्टेज पर हमें जो मीडियम साइज के मेरे टमाटर काटे थे ये डाल देना है, फ्राई कर लेना है, और इसमें अब हमें छोटे 1 टीस्पून नमक डाल देना है, मतलब 1 चम्मच नमक। टमाटर डालने के बाद आप 1/2 टीस्पून नमक डाल दीजिए, इससे क्या होगा टमाटर जल्दी गल जाएगा। फ्रेंड, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड, आप लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज़ आप ज़रूर लाइक कर दीजिए हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो। अब फ्रेंड, इसी स्टेज पर हमने ये जो हरी धनिया को हमने इस स्टेम के साथ हमने ऐसा मोटा मोटा काट लिया है, अब इसे भी हम इसी में डाल देंगे, और इसे एक बार अच्छी तरीके से फिर चला लेंगे। और अब इसे अब हमें ज़्यादा ओवर कुकिंग करना है, अब इसमें हमें गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है। और इन सब चीज़ों को हमें एक मिक्सी जार में, इन सब चीज़ों को हमें अब मिक्सी जार में डालकर पीस लेना है।
ये जब थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसे में मिक्सी जार लगाना है, नहीं तो बिल्कुल आप गरम गरम अगर पीसेंगे तो मिक्सी जार जो उसका ढक्कन है वो खुल जाएगा। और अब बस इसे में मिक्सी जार लगाकर अब हमें पीस लेना है। फ्रेंड देखिए ये मसाले का हमने पेस्ट बना दिया है, जो प्याज लहसुन अदरक और जो उसके हमने फ्राई किया था, सारे साबुत मसाले भी फ्राई किए थे हमने, और उसको हल्का सा तेल में फ्राई करके हमने उसका इस तरीके से पेस्ट बना लिया है। बहुत ही बढ़िया से सब्जी बनती है, तो इसे हमें साइड में रख देना है। अब हमने गैस पर हमने कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई में हमने तेल गर्म होने रख दिया है, हमने रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है इसमें, आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। अब इसमें हमें जो पनीर हमने काटे हुए उस पनीर को हमें हल्का फ्लेकर फ्राई कर लेना है, हल्का कलर चेंज होने तक। देखिए अभी इसे में ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इस तरीके से पनीर का कलर चेंज हो जाए, इस तरीके से हमें करना है। गैस की फ्लेम को हमें कम कर देना बिल्कुल, अच्छा इसका कलर चेंज हो जाए पनीर का, इसलिए उसी प्लेट में हमें निकाल लेना है पनीर। पनीर को निकाल लिया है प्लेट में, तो अब हमें पनीर को साइड कर देना है। अब हमें तेल में हमें थोड़ा सा आधा टीस्पून जीरा डाल देना है, जीरा को हल्का सा चटकने देना है हमें इसमें। आप फ्रेंड अब इसमें आप कोई भी हमें साबुत मसाला नहीं डालना है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप डाल सकते हैं, वैसे ही तो हमने सारे साबुत मसालों को हमने डालकर हमने पेस्ट बना लिया है, इसीलिए अब हमें साबुत मसाले इसमें नहीं डालने हैं, ये ज़्यादा तीखा हो जाएगा। और अब इसमें हमें थोड़ा सा हींग डाल देना है, थोड़ा सा हींग डाल दिया है हम उसी फ्रेंड जिसमें हमने पनीर बनाया था उसी बचे तेल में हम पनीर अपना बना रहे हैं, पनीर की सब्जी, पनीर फ्राई करने के बाद। आप चाहे तो आप कच्चा पनीर भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और अब इसमें अब हमें ये जो हमने पेस्ट बनाया है मसालों में ये डाल देना है, हल्का सा फ्राई कर लेना है, अच्छे तरीके से हमें फ्राई कर लेना है। और इसी मसाले में हमें एक चम्मच दो चम्मच डाल रहे हैं सब्जी का मसाला डाल देंगे हम, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, और इसमें हम एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे कलर अच्छा आता है सब्जी का। और अब इन सबको हमें अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, मसालों को भून लेना है हल्का सा, जब तक कि ये कम ना हो जाए, मसाला तेल ना छोड़ दे। देखिए अब मसाले थोड़े थोड़े से कम हो रहे हैं। फ्रेंड इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगेगा, क्योंकि इसमें हमने सारे टमाटर प्याज लहसुन एक ही साथ, और आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहेगा, सारे मसाले पहले भून कर आप तब उसका पेस्ट बनाइए, बहुत ही बढ़िया सब्जी बनती है और आपको भूनना भी नहीं पड़ेगा। देखिए इस तरीके से ये करते जा रहे हैं तब तक कि मसाले कम ना हो जाए, और इसमें हम थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे आधा चम्मच से भी कम, और अब मसालों को इस तरीके से भून लेंगे। और अब इसी स्टेज पर अब इसमें हम नमक डाल देंगे, हम इसमें दो चम्मच नमक डाल रहे हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए कम ज़्यादा जैसे आपको अच्छा लगता हो। और अब इसमें हम थोड़ा सा हम गरम मसाला डाल देंगे, बहुत थोड़ा, और इसे अब हम मसालों को अच्छी तरीके से चला लेंगे। देखिए मसाला हमारा कितना कम हो गया पहले से, देखिए मसाला हमारा तेल छोड़ दिया है, बिल्कुल तेल छोड़ने लग गया है साइड साइड से, आप देख सकते हैं।
तो इसे हमें इस तरीके से चला लेना है। और अब इसमें हमने जो मटर उबाल के रखी हुई है, आप फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं, लेकिन हमने जो सीजन, अभी सर्दी का सीज़न चल रहा है तो फिर ठंड के सीज़न में मटर सस्ती और बिल्कुल फ्रेश मिलती है, तो हमने वो मटर कुकर में डालकर दो सीटी करके उबाल दिया है। तो इसे भी अब हम इन मसाले में डालकर हल्का सा फ्राई कर लेंगे, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगता है। देखिए अब अच्छी तरीके से मटर और ये मिल चुका है। अब आपको सबसे ज़रूरी स्टेप एक बता रहे हैं, आप एक प्लेट ले लीजिए और इसमें आप ये जो मटर हमने थोड़ी सी मटर आप निकाल लीजिए, इसमें से थोड़ी सी मटर निकाल लेनी है, इससे आपकी टेस्ट सब्ज़ी जो है बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनेगी। ये आप स्टेप आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ये स्टेप आप ज़रूर आजमाइए, इससे आपकी सब्ज़ी बहुत। और थोड़े से हमें पनीर ले लेने हैं। अब क्या करना है हमें, पनीर को हमें इस तरीके से हाथ से थोड़ा सा मैश कर दीजिए आप, और इसे इसे हमें प्रेस कर देना है। ये देखिए इस तरीके से, इसे क्या होगा, आधा मटर जो है हम इस तरीके से मैश करके डालेंगे और थोड़ा सा पनीर मैश करके डालेंगे और आधा मटर ऐसे डालेंगे, तो इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगेगा, आपकी सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब बनेगी। अब बस देखिए ये मैश हो चुका है अच्छी तरीके से, मटर और पनीर को हमने थोड़ा सा निकाल कर मैश कर दिया है। अब आप इसे इसी में डाल दीजिए, इसमें हम पनीर, ये मटर हमारा अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है इसमें मसाले में, अब इसमें हम पनीर डाल देंगे। अभी ये डालकर हम थोड़ा इसे हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि पनीर को तो हम पहले ही हमने फ्राई कर लिया है। देखिए अब इसको फ्राई करने के बाद इसमें हम एक गिलास पानी डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से हम मिला देंगे। अब इसे ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं, आपको जैसे कम ज़्यादा अच्छा लगे, आपको ज़्यादा ग्रेवी अगर पसंद है तो आप और डाल सकते हैं। और अब इसको हम, अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक्कन ढक कर मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए 5 मिनट बाद ये सब्ज़ी मेरी अच्छी तरीके से बन चुकी है। और अब इसमें हम हरी धनिया पत्ती डाल देंगे, और इसमें हरी धनिया पत्ती डालकर हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे हम 10 मिनट के बाद हम थोड़ा ठंडा हो जाने पर, हम थोड़ा ठंडा हो जाने पर इसे हम एक कटोरी में निकालेंगे। तब तक इसे हमें धनिया पत्ती डालकर ढक देंगे। फ्रेंड देखिए अब हमारी सब्ज़ी ठंडी हो चुकी है, अब इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। फ्रेंड देखिए हमने एक बर्तन में निकाल लिया है मटर पनीर, बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह जैसे बाहर बनता है ना होटलों में, बिल्कुल इसी तरीके से मटर पनीर बनी हुई है, हमारा बना हुआ है मटर पनीर। तो फ्रेंड इस तरीके से आप भी ट्राई कीजिए मटर पनीर। और फ्रेंड अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिए प्लीज़। फ्रेंड आप हमारे चैनल को कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप। नमस्कार फ्रेंड।